नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। UPPCS प्रीलिम्स 2024 की तैयारी और समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए जो कोर्स लॉन्च किया गया है, क्रैश कोर्स, उसमें आज ये पहला लेक्चर है। और इस पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक समीक्षा। जब भी आर्थिक समीक्षा और बजट आते हैं, उसमें से 2 से 3 प्रश्न जो है निश्चित रूप से कम आपको जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें ऐसा नहीं कि केवल आर्थिक समीक्षा में बहुत सारी जो है चीज़ें हैं। आर्थिक समीक्षा में फसलों के उत्पादन के बारे में भी दिया गया है, अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र हैं उनकी प्रगति के बारे में दिया गया है, वाणिज्य व्यापार के नवीनतम आंकड़ों के बारे में दिया गया है, जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनकी जो अद्यतन प्रगति है, बहुत सारे सूचकांक हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित आंकड़े हैं, ऊर्जा उत्पादन के आंकड़े हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो है इसमें चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी हैं और बहुत ही अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें निश्चित रूप से इसमें से कई सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। और अंत में हम क्या करेंगे, पूरे लेक्चर को समराइज़ करने के लिए लगभग 60-70 क्वेश्चंस जो है वन लाइनर के फॉर्म में हम पढ़ेंगे, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आएगा किस तरह से। वैसे मैं बीच बीच में आपको बताते चलूँगा कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, लेकिन आखिरी में एक रिवीजन के लिए हम लोग जो है तथ्यात्मक रूप से भी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक पहला प्रश्न आता है, भारत की आर्थिक समीक्षा जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ये जो है वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। हमारी वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। इन्होंने 22 जुलाई को इसको संसद के में प्रस्तुत किया। और ये आर्थिक समीक्षा जो है हमेशा 1 साल पीछे की आती है। आर्थिक समीक्षा का मतलब क्या होता है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, उसमें जो हमारे गोल सेट थे उससे हमने क्या क्या प्राप्तियां की हैं, उसका जो पूरा विवरण होता है वो आर्थिक समीक्षा में होता है। और ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट है जिसे जो है प्रमुख सलाहकार किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के प्रमुख सलाहकार के द्वारा जो है इसको तैयार किया जाता है और इसको प्रस्तुत किया जाता है सदन में वित्त मंत्री के द्वारा। तो इसमें जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है जो तैयार किया गया है, तो इस समय मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है वित्त मंत्रालय के, तो V. अनंत नागेश्वरन हैं, जो काफ़ी समय से हैं। पहला जो आर्थिक सर्वेक्षण था वो 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद जो है ये परंपरा चलती रही और 1964 तक लगातार इसे क्या किया गया, बजट के साथ में जो है पेश किया गया। उसके बाद बजट को और आर्थिक समीक्षा को अलग अलग कर दिया गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय रहा होगा, क्योंकि बजट क्या है, आने वाले वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा बताता है, और आर्थिक समीक्षा क्या है, जो बीत गया वित्तीय वर्ष उसकी जो है प्रगति, उसकी पूरी जो है आपको बताएगा कि उसमें हमने क्या अचीवमेंट किए हैं, हमारी जो योजनाएं थी उसके सापेक्ष हमने क्या प्रगति की है। तो ये ध्यान रखिएगा 1964 तक जो है बजट और आर्थिक समीक्षा अलग अलग नहीं हुआ करते थे, वो बजट का ही पार्ट होता था। 1964 के बाद इसको अलग अलग जो है प्रस्तुत किया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। जो इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण है उसको कई सारे अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। ये सारे चैप्टर्स लिखे हैं और बेसिकली ये चैप्टर्स क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो पूरी आर्थिक समीक्षा है ये हमारी इकोनॉमी की क्या किस स्थिति के बारे में बताता है। जैसे थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे, जैसे अर्थव्यवस्था की स्थिति इसमें क्या बताई गई कि अर्थव्यवस्था स्थिर है, ना जो है नीचे जा रही है ना बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, उसमें लगातार रिकवरी बनी हुई है। क्योंकि आप जानते हैं कोविड महामारी के बाद जो है दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं लुढ़क गई थी और उनमें इस तरह से दीर्घकालिक उस पर जो है असर पड़ा कि अब जाके संभलते संभलते जो है अर्थव्यवस्थाएँ पूर्व कोविड काल के बराबर में आ गई हैं। इंडिया में उससे 120% जो है ऊपर आ गई, जिसको आगे पढ़ेंगे। मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता की क्या स्थिति है, स्थिरता, वहाँ भी स्थिरता ही इसका मुख्य शब्द है।
कीमतें और मुद्रा स्फीति कैसी हैं, नियंत्रण में है यानी इन्फ्लेमेशन, बाह्य क्षेत्र हमारे देश का कैसा है, तो ये हमारा जो है एक प्लस पॉइंट है। प्रचुरता के साथ में स्थिरता इसमें बनी हुई है। मध्यम अवधि का दृष्टिकोण क्या है कि नए भारत के लिए विकास की स्थिति और जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण, यहाँ व्यापार नापसंद से निपटना, रोजगार और कौशल विकास के बारे में क्या कहा गया है, गुणवत्ता की ओर, तो इसी तरह से सभी चीज़ों के बारे में अलग अलग जो है इसमें संकेत दिए गए हैं कि इसमें जो है मतलब जो हमारी आर्थिक सर्वेक्षण है इसका फोकस बिंदु क्या है। अब जो है जो इन्फोग्राफिक्स हैं ये PIB की वेबसाइट से लिए गए हैं और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। थोड़ा सा बस इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, मान लीजिए इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है, आपसे क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में। इससे पूछा जा सकता है कि जो अमृत काल है उसके लिए जो विकास की रणनीति है वो 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। अब वो 6 प्रमुख क्षेत्र में से मान लीजिए पूछा गया कि इनमें से एक कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा एक है, इस तरह पूछा गया, तो आपको ये 6 क्षेत्र पता होने चाहिए। पहला है निजी निवेश को बढ़ावा देने पर मुख्य फोकस है, भारत के मिटेल स्टैंड यानी MSME यानी मध्यम लघु उद्योग जो हैं उनकी वृद्धि का विस्तार, ये जो है प्राथमिकताओं में से है। कृषि भावी विकास के इंजन के तौर पर जो है देखा जा रहा है। भारत में हरित परिवर्तन के वित्त पोषण को सुरक्षित करना, हरित परिवर्तन मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन एक तरह से आप कह सकते हैं, जिसमें हमारा फोकस ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े, कार्बन उत्सर्जन को ग्रेजुअली कम किया जाए और इतना भी ना कम कर दिया जाए कि हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाए, यानी दोनों के बीच अर्थव्यवस्था की प्रगति और कार्बन उत्सर्जन के बीच एक संतुलन स्थापित करते हुए चलना है। शिक्षा और रोजगार के अंतर को पाटना, ये अमृतकाल की जो है प्राथमिकताओं में से है। और राज्य की क्षमता निर्माण पर फोकस करना, यानी जो है जो हमारे स्टेट्स हैं उनके स्वयं के जो है क्षमता निर्माण होना चाहिए, जिससे उनकी डिपेंडेंसी इधर उधर ना रहे। अब ये जो एक चार्ट है ये पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है एक जो है विहंगम तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करती है। और अगर इस चार्ट को आपने समझ लीजिए कि एक दो क्वेश्चन तो यहीं से आपके आने वाले हैं। तो चलिए इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं अभी इनको हम सेपरेटली भी आगे डील करेंगे, ऐसा ना हो कि आपको ना समझ में आए या अगर आपको छोटा दिख रहा हो। तो सबसे पहले अगर हम GDP वृद्धि दर की बात करें, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था का जो विकास है, जो उसकी ग्रोथ है, उसका जो संकेतक है, इंडिकेटर है, वो GDP को माना जाता है। अब उसके लिए एक बेहतर टर्म भारत सरकार यूज़ करती है, GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कौन सा क्षेत्र जो है ग्रॉस वैल्यू कितनी ऐड कर रहा है। तो 2021 में हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति 9.7 थी और एक ये देखिए 2021 में हमारा जो ग्रोथ थी वो निगेटिव हुई थी, क्योंकि वो ये काल कौन सा था, कोविड से प्रभावित, 19 के बाद से जो है 21 तक जो है 3 लहरें आई कोविड की, तो ये जो है गोता लगा गया था पूरी अर्थव्यवस्था। और ख़ास बात इसमें ये थी कि अर्थव्यवस्था का एक ही सेक्टर ऐसा था जिसने पॉजिटिव ग्रोथ की थी, वो कौन सा क्षेत्र था, वो कृषि क्षेत्र था, जबकि सब कुछ निगेटिव गया था। फिर 21-22 में 9.7, 22-23 में ये ग्रोथ 7% की रही, 23-24 में जो अनुमान आया है वो 8.2% का, यानी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर बीता है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है 8.5%, यानी देखिए कि धीरे धीरे जो है ये रिकवरी की ओर है। अब इसके बाद क्या है, 6.5-7%, इसके भी कारण हैं, अभी हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में GDP की अनुमानित वृद्धि दर क्या बताई गई है, तो आपको बताना होगा 6.5-7% तक, ये जो है अनुमान है। इसके बाद राजकोषीय घाटा की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था में ये माना जाता है जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट कम होगा, राजकोषीय घाटा जितना कम होगा उतनी बढ़िया ग्रोथ होगी, तो राजकोषीय घाटा लगातार कम हो रहा है, ये अर्थव्यवस्था में एक अच्छा संकेतक है। 23-24 के जो आंकड़े हैं यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण आप पढ़ रहे हैं उसमें इसको 5.6 बताया गया है। कंपेरिजन करना है तो 22-23 से 6.4, नहीं तो आप ये याद रख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको जो है जब बजट पढ़ेंगे तो आपको अनुमानित जो है 24-25 का भी याद करना होगा। इसी प्रकार हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार
बढ़ रहा है। आप देखेंगे मार्च अंत तक जो है यानी 31 मार्च 2024 को हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, 664.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, ये मोटी मोटी फिगर्स हैं जिनको आप याद रखेंगे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। अब खाद्यान्न उत्पादन की बात करते हैं। खाद्यान्न उत्पादन अगर देखा जाए तो आज तक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में या हमारे देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन हुआ था 22-23 में, जो सर्वोच्च स्तर रहा है अभी तक का, मतलब इससे पहले कभी भी इतना खाद्यान्न उत्पादन नहीं हुआ था। और ये बेंचमार्क कितना था, 329.7 जो है मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था। थोड़ी सी कमी आई है, 328 हो गया 329 का, लेकिन आप मान सकते हैं कि लगभग है, लेकिन सर्वोच्च अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये 22-23 वाला ही था। और आप करंट का बता रहे हैं यानी जो हमारे पास लेटेस्ट डाटा है 23-24 का, वो 328.9 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन है। उसके बाद अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, यानी जो हमारा औद्योगिक विकास दर है, तो उस ये जो है 23-24 में 9.5% रही है। ये स्थिर मूल पर वृद्धि दर है। दो तरह से कैलकुलेशन होता है वृद्धि दर का, एक स्थिर मूल्यों पर होता है जो 2011 वाला फॉलो होता है, और एक जो है क्या होता है वर्तमान मूल्यों पर होता है। फिर सेवाएं यानी सर्विस सेक्टर जो है, जो हमारा अर्थव्यवस्था का थर्ड या तृतीय क्षेत्र है, उसमें हम देखेंगे कि इस बार गिरावट आई है और ये जो है 23-24 में 7.6 है स्थिर मूल्यों पर, जबकि ये 22-23 में 10 था। इसके बाद पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर, अर्थव्यवस्था में ये माना जाता है कि जितना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उतना बढ़िया हमारी जो है अर्थव्यवस्था की ग्रोथ होगी। तो धीरे धीरे सरकार अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। आप देख सकते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा है 3.2% जो है GDP के टर्म्स में। फिर हमारा जो है विदेश व्यापार, ये जो है एक बड़ा संकेतक होता है। आयात और निर्यात अगर देखेंगे तो आयात और निर्यात दोनों ही बढ़ा है 23-24 में। बिलियन डॉलर्स में बात करें तो हमारा आयात है 675.4 और हमारा निर्यात है 437.1 बिलियन डॉलर का। ये विदेश व्यापार हो गया। तो ये जो फिगर्स हैं ये अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर आपके सामने रखता है। इसमें जो 23-24 के आंकड़े हैं अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसी पर पूछे जाएंगे, इसलिए उसके लिए आप तैयार रहेंगे। अब जो है जो हमने अभी देखा है उन्हीं में से बहुत सारी चीज़ों को हम जल्दी जल्दी थ्योरेटिकल फॉर्म में भी पढ़ेंगे। तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जो रियल GDP है वो कितनी रहने वाली है, वो 6.5 से 7% रहने वाली, जैसे हमने चर्चा की, कब की, 2024-25 जो करंट जो है फाइनेंशियल ईयर है। और जो वित्तीय वर्ष बीत गया यानी वित्तीय वर्ष 23-24 जिसे कहेंगे, या शॉर्ट में हम वित्तीय वर्ष 24 कहेंगे, इसमें वास्तविक GDP जो है 8.2 थी, जो कि वित्त वर्ष 24 की 4 तिमाहियों में 8% से अधिक रही है। 4 तिमाहियों में से 3 में 8 से अधिक रही है, 1 में गोता लगा गई है। उसकी वजह ये थी खाद्यान्न उत्पादन, क्योंकि अल नीनो के प्रभाव से इस बार जो है मानसून बहुत ही खराब रहा पिछले वित्तीय वर्ष में। मानसून खराब होने से खाद्यान्न उत्पादन आपने देखा कि पिछली बार से कम हुआ, और उसके अलावा कुछ और सेक्टर्स थे जहां पर जो है ग्रोथ में कमी आई है। तो इसकी वजह से जो पिछली बार GDP की ग्रोथ रेट 8.2 आकी गई थी वित्तीय वर्ष 23-24 में, इस बार जो है उसका अनुमान क्या हमने लगाया है 6.5 to 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब GVA की बात करें अगर आपूर्ति पक्ष पर, तो वित्त वर्ष 24 में 7.2% बढ़ाइए, और स्थिर मूल्यों पर शुद्ध जो है कर वित्त वर्ष 24 में 19.1% बढ़ा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, इसलिए इसमें लोड नहीं लेना है, बस चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। प्रशासनिक और मौद्रिक नीतियों के कुशल प्रबंधन से खुदरा या रिटेल जो इन्फ्लेशन रेट है वो वित्तीय वर्ष 23 में 6.7 था, और उससे घटकर जो है 24 में यानी 23-24 की बात हो रही है 5.4% हो गया है। इसके बाद एक और संकेतक है, 24 वित्तीय वर्ष 24 यानी 23-24 के दौरान चालू खाता घाटा, जिसको CAD कहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% रहा, जो इसके पिछले वित्तीय वर्ष में 2% था।
यानी कि हमारा घाटा जो है सकल घरेलू उत्पाद के टर्म्स में सीएडी घटा है 0.7 के, ये उस पर पहुँच गया है। आगे बात करेंगे, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि महामारी यानी कोविड महामारी के कारण जो है वित्तीय जो हमारी भारत की ग्रोथ थी, भारत की ग्रोथ क्या है, पूरे वैश्विक ग्रोथ पे बहुत बड़ा उसका नेगेटिव असर पड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार जारी है और उस सुधार के वजह से 23-24 में वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 20 जो था 19-20 के स्तर से 20% अधिक था, यानी अगर देखा जाए तो उस समय से जो ग्रोथ रेट है वो 120% हो गई है। संग्रहित कर का जो हमारे पास कर है, जो हम कर यानी टैक्स भारत सरकार इकट्ठा करती है, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कितना डायरेक्ट टैक्स से आता है, कितना इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। तो यहाँ पर यही आंकड़ा दिया गया है कि 55% जो है क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, और शेष 45% जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। इस आंकड़े को याद रखिएगा, कभी इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि मुफ्त में राशन बांटने वाली जो खाद्यान्न योजना चली रही है, तो उसमें सरकार के द्वारा 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है और पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित कुल व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। यहाँ पर एक और नोटेबल पॉइंट आ रहा है, माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र आप जानते हैं, तो माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था कौन सी है, भारत है। यानी पहले नंबर पे चीन हो गया, दूसरे नंबर पे जो है कौन है, भारत है। इसको याद रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जब इस तरह की बड़ी उपलब्धियों की बात होती है तो ये पूछा जा सकता है आपसे। अब अमृतकाल के जो 6 प्रमुख क्षेत्र हैं, इस पर हम लोगों ने बात कर ली है, उसी को रिपीट करने की आवश्यकता अब नहीं है। इसके बाद जो है अगला हमारा जो है कि जो अभी हमने पढ़ा है उसी को एक मतलब जो है शॉर्ट में फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, जितनी बार चीज़ों को आप फिर से देखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। 23-24 में वास्तविक जीडीपी 8.2 थी और जो है अब क्या आकलन किया गया है, 6.5 to 7 का आकलन अब किया गया है, ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। फिर वित्त वर्ष 24 में जो खुदरा मुद्रास्फीति है जिसकी हमने बात की है, वो घटकर कितनी रह गई है, 5.4% रह गई है। वित्त वर्ष 24 में वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष के 20% से अधिक रही है, यानी महामारी पूर्व स्तर जो था उसको हमने जो है सफलतापूर्वक उससे हम उबर आए हैं। इसके बाद जो है अर्थव्यवस्था का अनुमान हमने पढ़ ही लिया है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हीं को हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चार्ट हमने देखा था, फिर से जो है अब थोड़ा सा इसको बड़ा फिर से देखेंगे। हमने कहा था कि हमारा जो पूंजीगत व्यय है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो लगातार ग्रोथ कर रहा है। ये जीडीपी के टर्म्स में 3.2% है 23-24 का, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद अगला हमारा फिगर है राजकोषीय घाटा, ये सब बड़े बड़े टर्म्स हैं, बजट में भी यही पूछा जाता है आपसे। राजकोषीय घाटा जो है लगातार घट रहा है, कभी आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पे निबंध लिखना हो या इस तरह का कोई लेख लिखना हो तो ये सब चीज़ें बहुत मदद करती हैं, अगर थोड़ा सा आपको आंकड़े पता हो तो। 23-24 में जो राजकोषीय घाटा है वो 5.6% रहा है। इसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार जो है आप देख सकते हैं कि इसका स्तर 646.4 बिलियन डॉलर्स है, जो कि पिछले 4-5 वर्षों का जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्शाता है। अब भारत की एक उपलब्धि बहुत दिनों से चली आ रही, भारत ने उसको मेंटेन करके रखा है कि विदेशों से जो भारतीय नागरिक जो है अपने देश में धनराशि भेजते हैं उसको शीर्ष प्रेषण प्राप्त करता है, यानी भारत सबसे बड़ा जो है विदेशी मुद्रा का प्राप्त करता है, प्रेषित मुद्रा जो भारत को होती है। भारत में जो है ये 120 का जो है आंकड़ा है, बिलियन अमेरिकी डॉलर की बात की जा रही है, और वहीं पर अगर सेकंड नंबर पे मैक्सिको है, देखिए 66 है 50 है, मतलब लगभग लगभग जो है दुगना है, इसीलिए वर्ल्ड में भारत नंबर वन पे है। तो निश्चित रूप से जो है ये आपसे एक क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। आगे जीडीपी वृद्धि दर दी हुई है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, हमारी अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है 24-25 की, 6.5, और 23-24 की आपसे पूछ लिया जाए जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर बीता है वो 8.2 है।
तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमसे शुरुआत में हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्था के बारे में कि बाह्य क्षेत्र या विदेशी क्षेत्र जहाँ पर बताया जा रहा कि प्रचुरता के साथ स्थिरता है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो वित्त वर्ष 24 यानी 23-24 में भारत का सेवा निर्यात जो है यानी सर्विस का जो निर्यात, सर्विस सेक्टर का जो निर्यात है वो 4.9% बढ़कर कितना हो गया है, 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो आईटी सॉफ्टवेयर और अन्य व्यावसायिक सेवा क्षेत्रों का है। इसके बाद प्रेषण के भी हमने बात की कि 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रेषण के साथ शीर्ष वैश्विक प्राप्तकर्ता देश कौन बन गया है, भारत। फिर हमारे पर बाह्य ऋण कितना है, तो 2024 मार्च यानी फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग में अगर देखेंगे तो भारत का जो बाह्य ऋण है और जो जीडीपी का अनुपात है वो 18.7% है, ये आपको जो है याद रखना चाहिए। फिर लॉजिस्टिक्स में, क्योंकि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसको भंडारण करना और उसको एक से दूसरी जगह मूव करना, जब हमारे पास बड़े बड़े वेयरहाउसेज होंगे, लॉजिस्टिक्स भंडारण की सुविधा होगी, इसीलिए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। 2014 में भारत 44वें स्थान पे था और जो लेटेस्ट 2023 में रिपोर्ट आई थी उसमें भारत जो है 38वें स्थान पर पहुंच गया है। फिर अगला हमारा जो धन प्राप्ति में बढ़ोतरी हुई है वो कहाँ से हुई है, पर्यटन क्षेत्र में। विश्व पर्यटन में जो प्राप्तियां हैं अगर उनको देखा जाए तो भारत की हिस्सेदारी 2021 में पूरा जो ग्लोबल जो है इनकमिंग थी पर्यटन से वो भारत को 1.38% मिलता था और अब वो 2022 में 1.58% हो गया है। हो सकता है ये फिगर देखने में मामूली लगती हो लेकिन पूरे विश्व की पर्यटन कमाई का 1.58% यानी लगभग जो है 2% के करीब ये पहुंचने वाला है, प्राप्त करना भी जो है भारत के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है। फिर अगला जो पॉइंट बताया गया था कि कीमतें और मुद्रा स्फीति जो नियंत्रण में है, तो खुदरा मुद्रा स्फीति जो है कितना है, 5.4%, हमने इसको जो है अभी डिस्कस किया था। उसके अलावा जो है कृषि क्षेत्र में अलनीनो के प्रभाव से चरम मौसमी घटनाएं देखने को मिली, कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ है, कहीं फसल की क्षति है, तो उसके कारण कृषि उत्पादन और खाद कीमतों पर बहुत असर पड़ा और वित्त वर्ष 23 में खाद मुद्रास्फीति 6.6 रही है जो 24 में बढ़कर 7.5 हो गई है। इसी कारण जो आप जीडीपी का ग्रोथ रेट का अनुमान देख रहे हैं 24-25 का, वो आपको कम दिख रहा है, ये मूल कारण है। इसके बाद आरबीआई के एक अनुमान के अनुसार सामान्य मानसून अगर रहा और कोई बाहरी या नीतिगत झटके नहीं हुए, यानी सब कुछ जैसा सोचा गया है इस वित्त वर्ष में अगर उसी तरह से चलता रहा तो वित्त वर्ष 25 में 4.5% और वित्त वर्ष 26 में ये 4.1% हो जाएगा, यानी मुद्रा स्फीति में गिरावट आएगी और ये जो है अर्थव्यवस्था की मजबूत संकेतक के रूप में देखा जाता है। आईएमएफ ने क्या अनुमान लगाया है, तो आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि 2024 में 4.6% और 2025 में 4.2% की मुद्रा स्फीति दर रहेगी। फिर आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में तीन बड़े सेक्टर हैं आप जानते हैं, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, फिर दूसरा है उद्योग क्षेत्र और तीसरा हमारा सेवा क्षेत्र है। तो किसकी क्षेत्रवार प्रगति क्या है, जैसे हमने एक अनुमान बताया आपको कि अर्थव्यवस्था जो है 6.5-7% जो है अनुमानित है अगली, और 8.2% जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो बीत गया है उसमें ग्रोथ रेट थी, लेकिन इसमें सेक्टर वाइज जो है यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के हिसाब से क्या रहा, तो 23-24 में जो है वर्तमान मूल्यों पर, ये किस में करंट प्राइजेस पे बात हो रही है, तो करंट प्राइजेस पर कुल जो जीवीए है ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसमें कृषि का योगदान कितना है, 17.7%। निबंध वगैरह लिखने में इस तरह के डेटा भी बहुत ज़रूरी होते हैं, बाकी क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जा सकता है इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। 17.7%, फिर वहीं पर उद्योग क्षेत्र जो है 27.6% की ग्रोथ हुई है और
सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी इसमें 54.7% रही है। ध्यान दीजिएगा, सिमिलर आंकड़े आप पढ़ सकते हैं लेकिन वो वर्तमान मूल्यों पर नहीं होंगे, ऐसा ना आप समझे कि जो है उसमें कोई दिक्कत हो गई है, यानी ये और वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने चाहिए। हमेशा जो ग्रोथ रेट है वो वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य दोनों में बताए जाते हैं, तो वर्तमान मूल्य पर जो है ये स्थिति है। कृषि का जो योगदान है भारत के अर्थव्यवस्था या जीवीए में वो 17.7% है। भारतीय कृषि क्षेत्र उछाल वाला रहा है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि पिछले 5 वर्षों में स्थिर कीमतों पर यानी फिक्स्ड प्राइस पर इसमें कितनी प्रगति हुई है, 4.18% की औसत एवरेज ग्रोथ हुई है कृषि क्षेत्र में। इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है, पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र में जो एवरेज ग्रोथ हुई है जीवीए में वो 4.18% की हुई है और ये स्थिर कीमतों की हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कृषि की बात हो रही है, पीछे हमने उत्पादन पहले भी देख लिया था, यहाँ पर भी वही चीज़ है, एक बार देख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है कि उत्पादन कितना रहा, तो 23-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 328.9 मिलियन टन रहा और अभी तक का भारत की जो इतिहास है उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन 22-23 में रहा है, 329.7%, ये सर्वकालिक उच्च प्रतिशत उच्च जो है सीमा रही है आज तक उत्पादन की। ठीक है, ये हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने देखा था आप इसमें जो है आर्थिक समीक्षा में फसल के उत्पादन के आंकड़े जारी किए जाते हैं और इसमें जो है आप देखेंगे सबसे पहले खाद्यान्न की बात करते हैं, खाद्यान्न में चावल, तो इससे पहले वित्तीय वर्ष में जो आंकड़े आए थे उसमें क्या था, पश्चिम बंगाल टॉपर था, उसके बाद उत्तर प्रदेश था और तीसरे नंबर पे पंजाब आता था। अब ये आंकड़े बदल गए हैं, तेलंगाना जो चौथे पाँचवें नंबर पर था वो पहले नंबर पर आ गया है, तो इस तरह के फेरबदल होते रहते हैं। आगे जो है उत्पादन पूरा दिया गया मिलियन टन में, पूरे भारत के उत्पादन में उसका परसेंटेज कितना है और जो है संचयी प्रतिशत जो है कितना है, तो ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपसे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो क्रम पूछा जाता है मोस्टली। फिर गेहूं में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, पहले भी था, फिर मध्य प्रदेश और पंजाब हो गया। मक्का के उत्पादन में कर्नाटक जो है पहले नंबर पर है, बिहार और मध्य प्रदेश, इसलिए जो भी डेटा चेंज हुआ है उसको आपको याद रखना होगा। इसी तरह से अगर कुल मोटे अनाज या न्यूट्री को मिला लें तो पहले कर्नाटक जो है पिछली बार पहले नंबर पे था, इस बार क्या हो गया है, इस बार जो है राजस्थान पहले नंबर पे आ गया है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक आ गया है, तो ये जो चेंजेज आपको दिख रहे हैं ये आपको याद रखने होंगे। चना का उत्पादन देख लेते हैं, चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर एक पे है, उसके बाद तूर का, तूर दाल जो होती है उसमें कर्नाटक पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। जहाँ जहाँ भी उत्तर प्रदेश फर्स्ट सेकंड थर्ड में आए उसको जरूरी ध्यान रखिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स में इससे पूछा जा सकता है। अब अगर सारी दालों का जोड़ कर लिया जाए तो मध्य प्रदेश टॉपर है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे राजस्थान है। और खाद्यान्न उत्पादन अगर पूरा जोड़ लिया जाए जिसमें दाल भी है, चना भी है, सब कुछ है इसमें और बाकी चावल भी है, गेहूँ भी है, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है और पंजाब तीसरे नंबर पे है, तो ये महत्वपूर्ण है जो आपसे जो है पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब तिलहन फसलों की बात कर लेते हैं। तिलहन में एक प्रमुख फसल है मूंगफली, तो मूंगफली के उत्पादन में गुजरात जो है पहले नंबर पे है, रेपसीड और सरसों में राजस्थान है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, फिर सेकेंड पे महाराष्ट्र और राजस्थान है, सूरजमुखी से जो तेल निकाला जाता है उसमें कर्नाटक पहले नंबर पे है, फिर हरियाणा और उड़ीसा है। तो इस प्रकार अगर हम कुल तिलहन का उत्पादन देखेंगे यानी ऑयल सीड क्रॉप्स में, तो राजस्थान आ गया पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश आ गया दूसरे नंबर पे और गुजरात आ गया तीसरे नंबर पे। आगे बढ़ते हैं, गन्ना, गन्ना में बहुत लोग कन्फ्यूजन रहती है कि उत्तर प्रदेश पहला है कि महाराष्ट्र पहला है। उत्तर प्रदेश पिछले 3 साल से लगातार इसमें जो है आगे बना हुआ है और इस जो है रिपोर्ट में भी आगे ही है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये तीसरा नंबर हो गया। कपास के उत्पादन में गुजरात पहले नंबर पे है, जूट और मेस्ता में
पश्चिम बंगाल की बादशाहत मेंटेन है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। अब कृषि और खाद्य प्रबंधन से जुड़े कुछ जो है आर्थिक समीक्षा के बिंदु हैं जिस पर आपको गौर करना होगा। अभी मतलब ये सब हम पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इनके माध्यम से बीच में शॉर्ट पॉइंट्स में इसका रिवीजन भी चालू रखेंगे। 5 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर कृषि क्षेत्र की कितनी रही है, अभी हमने पीछे ही बताया था 4.18%। जितनी बार याद कर लें उतना बढ़िया है, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फिर 2014-15 से 22-23 तक पशुधन क्षेत्र स्थिर मूल्यों पर 7.38% संचयी वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। तो ये जो है किसका हो गया, पशुधन क्षेत्र की विकास दर हो गई। इसी तरह से जो है सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को 2015-16 से और 23-24 के बीच शामिल किया गया है। इसका सीधा सा मतलब क्या है, भारत में जो सिंचित क्षेत्र है वो बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 90 लाख हेक्टेयर। 29 फरवरी 2024 तक नई FPO योजना के तहत 8,195 FPO पंजीकृत हुए हैं। इस तरह का डेटा बहुत ही रेयर है कि पूछा जाए। और PMGKAY के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को अगले 5 वर्ष तक मुख्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो है भारत सरकार का लक्ष्य है। इसी में आगे बढ़ते हैं, गैर संस्थागत ऋण की हिस्सेदारी 1950 में कितनी थी, 90% थी। गैर संस्थागत का मतलब ना बैंक से ले रहे हैं, ना किसी वित्तीय संस्थान से ले रहे हैं, ना सरकार से ले रहे हैं, ना किसी कंपनी से ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, किसी प्राइवेट व्यक्ति से ले रहे हैं। और उस समय तो आप जानते हैं जमींदारी प्रथा थी, उस समय सूदखोरी जो है चरम पे थी। तो उस समय जो कृषि क्षेत्र में जो संस्थागत ऋण लिया जाता था वो 90% जो है गैर संस्थागत होता था। अब 2021-22 में अगर देखा जाए तो गैर संस्थागत ऋण की हिस्सेदारी 23.40% हो गई है। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें और कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। आगे देखते हैं, अब हमारा अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र आ जाता है उद्योग। उद्योग में वृद्धि दर जो है क्या है, 9.5% है। ये सकल मूल्य वृद्धि है यानी GVA है। किस पे, स्थिर मूल्यों पर। अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में क्या क्या जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो वित्त वर्ष 24 में यानी 23-24 में आर्थिक वृद्धि को 9.5% की औद्योगिक विकास दर का समर्थन मिला है। वर्ष 24 में विनिर्माण और निर्माण लगभग दोहरे अंक की वृद्धि तक पहुंचा है। कोयला उत्पादन हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, 2-3 बार TCS में पूछा जा चुका है। तो आयात पर निर्भरता को कम करते हुए वित्त वर्ष 23-24 में कितना कोयला उत्पादन हुआ है, ये आपको फिगर अच्छे से याद होनी चाहिए, 997.2 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ है। इस्पात क्षेत्र ने वित्त वर्ष 24 में अपने उत्पादन का उच्चतम स्तर प्राप्त किया है। और इसी तरह से बहुत सारे और भी आंकड़े हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है केवल हम उन पर ही चर्चा करेंगे। फिर एक और आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत विश्व का जो है किस नंबर का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल बाजार है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, विश्व के 3रे नंबर का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल मार्केट बन गया है भारत। और इसकी जो नेटवर्थ है फार्मास्यूटिकल मार्केट की इंडिया के, वो 50 अरब अमेरिकन डॉलर है। 20 वैश्विक जेनेरिक कंपनियों में से 8 भारत में बेस्ड हैं, भारत पर आधारित हैं। और 12,500 से अधिक जन औषधि केंद्र भारत में खोले गए हैं जो देश के सभी जिलों को कवर करने का काम करते हैं। अब आगे हम रोजगार और कौशल विकास की बात कर लेते हैं। भारतीय श्रम बार संगठन के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में बेरोजगारी दर घटके 3.2% हो गई है। बाकी जो है बहुत सारी और चीज़ें लिखी हैं, लेकिन वो आपके लिए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब हमने सेवा क्षेत्र पर मूव करना है, हम लोग को देखना है सेवा क्षेत्र में। तो वित्त वर्ष 24 में यानी 23-24 में सेवा क्षेत्र
की अर्थव्यवस्था में 55% हिस्सेदारी थी और इस वर्ष के दौरान इसमें 7.6% की वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि का प्रतिशत आप याद रखिएगा। और टोटल अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का क्या रोल है, क्या योगदान है, तो 55% का जो है हिस्सेदारी है। फिर अब डिजिटल सेवाओं की बात करें तो डिजिटल माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत की जो है हिस्सेदारी कितनी बड़ी है, 2023 में बढ़कर 6% हो गई है। अगला आंकड़ा देखते हैं वैश्विक स्तर पर भारत का सेवा निर्यात। तो सेवा निर्यात जो है 2022 में विश्व के जो वाणिज्यिक सेवा निर्यात का कुल का मतलब ग्लोबल लेवल पर 4.4% था। और वहीं पर अगर 23-24 में वित्त वर्ष की बात करें तो भारत के कुल निर्यात का ये 44% था। क्या? सेवा निर्यात, यानी भारत का जो सर्विस सेक्टर है उससे निर्यात जो है वो ज़्यादा हो रहा है। फिर अब हम विमानन क्षेत्र की बात कर लें, वित्त वर्ष 2023-24 में कुल हवाई यात्रियों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है वार्षिक रूप से। इस तरह के क्वेश्चन कभी अगर पेपर को टफ बनाने का प्रयास किया जाएगा तो पूछा जा सकता है। ई कॉमर्स की बात करते हैं तो भारत के ई कॉमर्स उद्योग का वित्त वर्ष 2030 तक 350 अरब अमेरिकी डॉलर पार कर जाने की उम्मीद है। अब स्टार्टअप्स में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा आंकड़ों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर अभी हमने बात कर ही ली है कि कितनी है, सकल मूल वृद्धि 7.6% है। निश्चित रूप से जो है इसमें गिरावट आई है, लेकिन कोविड के समय जो है ये माइनस में थी क्योंकि दुनिया भर में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध चल रहे थे। सेवा क्षेत्र का जो आकार है अर्थव्यवस्था में, अभी हमने पीछे भी बात कर ली, फिर रिवाइज कर लेते हैं, कितना है 2023-24 में अगर देखेंगे तो ये 55% है। बाकी वित्त वर्ष 24 में भारत के कुल निर्यात का 44% हिस्सा जो है सेवा क्षेत्र से रहा। और आगे बढ़ेंगे अब हम, भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था की बहुत बात की जाती है, तो ये डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है इसके क्या आंकड़े हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ वही पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम में है, कुछ चीज़ें हमको अपने सामान्य जानकारी के लिए भी हमको पढ़ना चाहिए। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में दी गई हैं। तो अगर देखेंगे यूपीआई का रोल देखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन इन 23-24 जो है वित्तीय वर्ष में 13,116.5 करोड़। अब तो आप देखते हैं कि पान की दुकान से लेके गुमटी ठेला और मतलब हर जगह यूपीआई पेमेंट ही मोस्टली हो रहा है लोगों के पास आज की डेट में। अगर देखा जाए तो नगद के नाम पे जेब में कुछ नहीं होता, अच्छी बात है। कैशलेस जो है अर्थव्यवस्था की तरफ भारत तेज़ी से बढ़ रहा है और टोटल वैल्यू जो है ये अगर देखी जाए तो 199.9 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। इसके अलावा आधार से जो है मनी ट्रांसफ़र होता है ये भी आप जानते होंगे, 139.7 करोड़ इसका है। डिजी लॉकर का दिया गया है, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर और इत्यादि होते हैं। फिर कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं वो भारत में 5.7 लाख से ज़्यादा फंक्शनल हैं इस समय। मोबाइल फ़ोन के उपभोक्ता भारत में कितने हैं, 116.7 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर हैं। मतलब पुरानी जनगणना के अनुसार तो भारत की लगभग 120 करोड़ आबादी थी, अब तो जो है वो 140 के ऊपर पार कर गई है। लेकिन आप देख सकते हैं 116.7 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, यानी मोबाइल भी लगभग हर व्यक्ति के हाथ में पहुंच चुका है। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसकी हम बात करते हैं, वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन कहाँ शुरू होता है, जब कोई व्यक्ति बैंकिंग सिस्टम में आता है। जैसे आज से अगर 10 साल 20 साल पहले की बात करें तो ज़रूरी नहीं था कि हर व्यक्ति के पास खाता हो अपना बैंक में। और मोदी सरकार ने जो सबसे पहली योजनाओं में से योजना लॉन्च की थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें ये प्रमोट किया गया कि सभी का अपना एक खाता होना चाहिए। तो उसके कारण जो देखेंगे 78% अकाउंट ओनरशिप है 2021 की अगर हम बात करें। पूरे देश में 24.6 ATM पर लाख एडल्ट्स, यानी एडल्ट्स पे है ये, पॉपुलेशन पे नहीं है, 2022 का ये आंकड़ा है।
5.5% पॉपुलेशन यानी 7.7 करोड़ लोग के पास भारत में इनसे अधिक क्रेडिट कार्ड्स हैं। आप देखते हैं कि आप किसी मॉल में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं या बैंक चले जाएं तो वो पागलों की तरह आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए आगे बढ़ा। आपके दिन भर में कई सारे कॉल्स आते हैं कि क्या आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे। एक्चुअल में क्योंकि जितना ज़्यादा ऋण बाज़ार में दिया जाएगा उतना ज़्यादा जो है उन वित्तीय संस्थानों की ग्रोथ होगी। तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के मामले में भी देखिए 7.7 करोड़ लोग जो है इंडिया में क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। हो सकता है कि पूरी जनगणना के आगे ये आंकड़ा छोटा लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये आंकड़ा जो है बहुत बड़ा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। 14.3 कमर्शियल बैंक हैं पर लाख एडल्ट्स यानी प्रति लाख वयस्क व्यक्तियों पे इतने जो है बैंक्स हैं। 1.3 लाख बैंक की ब्रांचेज हैं भारत में, यहाँ पर चिन्ह लगा ज़्यादा का। फिर लगभग 52.6 करोड़ बैंक अकाउंट हैं जो कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए हैं, यानी लगभग लगभग आधी आबादी को तो इसी योजना के अंतर्गत जो है कवर कर लिया गया है। तो इससे क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन आपको ये चीज़ें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इनका क्या योगदान है। अब वित्तीय समावेशन को ही लेके आप देख लीजिए, एक जो है कंपरेटिव चार्ट है, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आए। औपचारिक वित्तीय संस्थान में खाता रखने वाले वयस्क, क्योंकि वयस्क का ही खाता खुल सकता है ये आप जानते हैं, आयु 15+, 2011 में ये 35 हुआ करते थे, 2021 में ये जो है 77 हो गए। ये क्या है, परसेंटेज है, ये ध्यान रखिएगा। पुरुषों के खाते कितने हैं बैंकों में, बहुत सारे आंकड़े सब नहीं देखेंगे, 15+ 78% जो है, जो 15 साल से ऊपर के पुरुष हैं उनके पास खाते हैं। इसी तरह से महिलाओं में अगर देखेंगे तो महिलाओं में भी आंकड़ा 78% का है। ऐसे युवा जिन्होंने 15 से 24 वर्ष की मतलब रेंज में हैं और जिन्होंने कोई ना कोई डिजिटल भुगतान या तो किया है या प्राप्त किया, चाहे वो गूगल पे से किया हो, चाहे पेटीएम से किया हो, चाहे फ़ोन पे से किया हो, तो 2011 में ऐसे लोग 19% थे, अब ये संख्या जो है 30% तक हो गई है। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र में जो है अगर हम देखेंगे तो सामाजिक सेवाओं पर, सोशल सर्विसेज पर जो है व्यय बढ़कर जीडीपी का 7.8% और स्वास्थ्य पर व्यय बढ़कर जीडीपी का 1.9 पर पहुंचा है। कब, 23-24 में, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सामाजिक सेवाओं पे भारत सरकार का व्यय कितना है जीडीपी के टर्म्स में, वो 7.8% है। ये कब की बात हो रही है, 2023-24 वित्तीय वर्ष की जो बीत चुका है। और हेल्थ सेक्टर पे, स्वास्थ्य सेवाओं पे 1.9% जो है व्यय हुआ है जीडीपी का, जो कि भारत जैसे बड़े देश में कम लगता है। ये वाला तो जो है वास्तव में कम लगता है। स्वास्थ्य पर जो है व्यय जो विकसित देश हैं या जो अच्छे जहाँ पर चीज़ें हैं, इकोनॉमी है, वहाँ पर 5% के लगभग हो रहा है। तो इसमें भी निश्चित रूप से बढ़ोतरी होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कारण जो है कई सारे बदलाव आए हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको जो है अपने मतलब का जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो चीज़ें देखते हैं। वित्तीय वर्ष 18 से वित्तीय वर्ष 24 के बीच स्वास्थ्य व्यय 15.8% की संचयी वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है, यानी जो हेल्थ सेक्टर में ग्रोथ है वो जो है स्वास्थ्य पर जो एक्सपेंडिचर है, व्यय है, वो 15.8% की जो है संचयी वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। आयुष्मान भारत कार्ड कितने बन चुके हैं, 37.73 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बने हैं, जिसमें से अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं लोग 7.37 करोड़, और ये 8 जुलाई 2024 तक की स्थिति के बारे में इसमें बताया गया है। तो बहुत ज़्यादा इन आंकड़ों में उलझना नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 10,000वां पीएम जन औषधि केंद्र भारत में खुल चुका है। और ये कहाँ पर खुला है, कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं चौंकाने के लिए, एम्स देवघर में। बाकी आगे बढ़ते हैं, देश में 300 से अधिक अमृत फार्मेसियाँ चल रही हैं जहाँ पर जो है दवाइयाँ सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। अब किसी भी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में अवसंरचना या जो है जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसका बहुत बड़ा
योगदान होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पुल, सड़क और जो है बाकी जो है फैसिलिटीज़, कॉमन सर्विस सेंटर्स, मार्केट, पार्किंग, ये सब चीज़ें जो है कैसे आते हैं, हाईवेज़, ये सब जो है अवसंरचना में आते हैं। तो अवसंरचना में अगर जो है निवेश होता है तो वो दीर्घकालिक परिणाम देता है अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज़ की, राष्ट्रीय राजमार्ग की। इसमें कभी कभी औसत निर्माण दर पूछ ली जाती है, तो वित्त वर्ष 14 में ये 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन था, यानी एक दिन में 11.7 किलोमीटर हाईवेज़ का निर्माण भारत में होता था। अब ये 3 गुना बढ़कर 2024 तक प्रतिदिन 34 किलोमीटर हो गया है। फिर रेलवे ने क्या तरक्की की है, पिछले 5 वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय में 77% की वृद्धि की गई है। फिर एविएशन सेक्टर आ जाता है, विमानन, वित्त वर्ष 24 की ही बात हो ही रही है, 21 हवाई अड्डों पर नई टर्मिनल इमारतें चालू कर दी गई हैं। लॉजिस्टिक्स पर हमने बात कर ही ली पहले भी, कि पहले अगर 2014 में देखें तो भारत लॉजिस्टिक इंडेक्स में 44वें नंबर पे था, और वहीं पर 2023 में ये 22वें स्थान पर आ गया है। आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष में जो है भारत में की बहुत सारी परिसंपत्तियाँ बन गई हैं, जिसमें से कुल 55 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं। अब इसका ब्रेकअप आपको दिया है कि 19 संचार उपग्रह हैं, 8 नेविगेशन हैं, 5 वैज्ञानिक उपग्रह हैं, 3 मौसम विज्ञान के। इतना ज़्यादा डिटेल में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। भारत में टेली डेंसिटी की बात कर लेते हैं। टेली डेंसिटी की मतलब होता है कि कितने लोगों के पास कितने एरिया में टेलीफोन है, यानी प्रति 100 की जनसंख्या पर टेलीफोन की संख्या कितनी है। तो मार्च 14 में ये 75.2% था, और मार्च 2024 में ये 85.7% हो गया है। लगभग 10% की ग्रोथ जो है 10 साल में हुई है, ये अच्छी खबर है। मार्च 24 में जो इंटरनेट घनत्व है, इंटरनेट डेंसिटी है, वो 68.2% हो गया है। इसका मतलब इंटरनेट का जो जाल है वो फैल चुका है। अब जलवायु परिवर्तन और भारत, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जो हर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर आप एकदम से उद्योग से क्षेत्र को बढ़ावा देने लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है वो बढ़ने लगेगा। कार्बन उत्सर्जन बढ़ने लगेगा तो हमने जो पेरिस समझौता में जो है अपनी कमिटमेंट कर रखा है, और बाकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने हैं, जहाँ जहाँ भी हमने अपने कमिटमेंट कर रखे हैं, वहाँ पर तनाव होने लगेगा। तो भारत का ये कहना है, पीछे लिखा भी हुआ है, कि जो वर्तमान वैश्विक रणनीतियां हैं पर्यावरण को लेके, वो सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भी हैं और विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। अमेरिका जिस तरह से कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, उस तरह से भारत जो है नहीं कर सकता है, या जिस तरह से चाइना कर रहा है, उस तरह भारत नहीं कर सकता है। वो सब विकसित देश हैं, उनका जो है उनके यहाँ उत्पादन का अलग मानक है, अलग प्रक्रिया है। भारत विकासशील देश है, भारत को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। इसलिए भारत की जो रणनीति है पर्यावरण को लेके और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को लेके, वो भारत को सूट करनी चाहिए, यानी भारत के अनुसार होनी चाहिए। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं कि एक उपाय सभी के लिए सही नहीं, ये जो है भारत का कहना है। तो इसके लिए भारत ने जो है एक पहल स्थापित शुरू की थी, जिसको कहा था लाइफ, और इसमें जो है लाइफ को बहुत जोर दिया गया है। लाइफ क्या है, लाइफ का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, कभी आपसे पूछा जाता है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंटल, यानी पर्यावरण के अनुसार अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना। हमारा जो है जीवन शैली ऐसी हो जो पर्यावरण के खिलाफ ना हो, पर्यावरण को सपोर्ट करता हो। तो सबसे पहले क्या है, हमको एनर्जी बचानी होगी, हमको जो वेस्ट है वो कम से कम उत्पादन करना होगा। ई वेस्ट यानी जो इसको ई कचरा कहते हैं, जैसे आपका मोबाइल ख़राब हो गया, लैपटॉप ख़राब हो गया, चार्जर ख़राब हो गया, तो इस तरह का ई कचरा जो है, क्योंकि इसको रिसाइकिल करने के लिए भी बहुत सारा जो है कार्बन उत्सर्जन होता है। एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, जितना आप हेल्दी लाइफ स्टाइल करेंगे उतना जो है, अभी इसी में एक चार्ट था
वहाँ पर बताया गया था, मैंने यहाँ पर प्रेजेंट नहीं किया गया है किया है कि सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कई सारी कैटेगरीज दी थी बीफ के उत्पादन के कारण जो है होता है, और भी बहुत सारी थी मैंने मीट उत्पादन, जैसे लोग कहते हैं ना कि राइस से जो है मीथेन का उत्पादन होता है, वो तो सबसे नीचे मुझे लिस्ट में दिख रहा था, लेकिन वहीं पर मांस उत्पादन में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, बहुत ज़्यादा चारा लगता है, यानी कुल मिलाकर जो है कार्बन इमिशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, यानी हमको ऐसे भोज्य पदार्थों को अपनाना चाहिए जिनके उत्पादन में बहुत ज़्यादा जो है कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक और जल का संरक्षण, ये जो है भारत के द्वारा जो कल्पना की गई है लाइफ थीम जिसको कहा गया है वो है, यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। और ये जो हमारा 2022 से 2028 की अवधि में लाइफ थीम को इंडिया फॉलो कर रहा है, जो हमारा मतलब जितनी भी हमारे देश में पॉलिसीज बनती हैं, इकोनॉमी भी उससे अलग नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसीज भी उसमें हैं, तो उसमें भी हमारी जो लाइफ थीम है इसको हम ध्यान में रख के पॉलिसीज को बनाते हैं। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारी पहल की है, क्योंकि हम धीरे धीरे चाहते हैं कि हम स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ें, और 31 मई 2024 तक अगर हम देखेंगे तो जो बिजली स्थापित क्षमता कुल भारत में है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से 45.4% तक पहुंच गई है, जो कि भारत के लिए एक अच्छा अचीवमेंट है। इसके अलावा देश ने 2005 के स्तर की तुलना में 2019 में अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 33% की कमी की है, यानी हमारे यहाँ जो हमने कार्बन इमिशन के रिडक्शन का जो लक्ष्य लिया है उसकी तरफ हम ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं। 2005 और 2019 के बीच में भारत की जीडीपी लगभग 7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, जिसको हम CAGR कहते हैं, से बढ़ी है, जबकि उत्सर्जन लगभग 4% की CGR से बढ़ा है, तो ये भी एक अच्छा संकेतक है हमारे जो है जलवायु को लेके पहल के। फिर सरकार ने कोयला गैसीकरण मिशन सहित अनेक स्वच्छ कोयला पहलों की शुरुआत की है, जिससे कार्बन इमिशन को कम किया जा सके। कुल 51 मिलियन टन तेल समतुल्य वार्षिक ऊर्जा बचत से 1,94,320 करोड़ रुपए की कुल वार्षिक लागत बचत और लगभग 306 मिलियन टन उत्सर्जन में कमी आएगी, ये इस पहल का हिस्सा है। जनवरी फरवरी 2023 में 16,000 करोड़ रुपए के मूल के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए हैं, और अक्टूबर से दिसंबर 23 में कुल 20,000 करोड़ मूल के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए हैं। ये सभी जो है भारत का जो कमिटमेंट है जलवायु परिवर्तन के अगेंस्ट, या जलवायु परिवर्तन या जलवायु को स्वच्छ रखने के लिए उसके लिए है। तो ये जो है सामाजिक क्षेत्र में हमने देख ही लिया था आयुष्मान कार्ड, इसको रिवाइज करने का, तो ये सभी हम रिवीजन देखते जाएंगे। इसमें जो है बहुत ज़रूरी चीज़ होगी उस पर हम फोकस करेंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट डेटा आ गया, जल जीवन मिशन, क्योंकि भारत सरकार की जो है प्राथमिकताओं में से ये, तो नल से जल कनेक्शन बढ़कर 14.89 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक जो है पहुँचा है, यानी जो कवरेज है जल से नल की अब 76.12% हो चुकी है, वित्तीय वर्ष 23-24 तक की हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन पे हमने जो है अभी सारी बात लगभग कर ही ली है, और जो मेन मुद्दा है वो यही है, भारत का ये कहना है कि सभी देशों के अपने हालात अलग हैं और उसी हिसाब से उनको अपनी जलवायु के लिए प्राथमिकताओं को तय करना होगा। मिशन लाइफ जो है, जिसकी अभी हमने बात की थी लाइफ थीम की, उसमें स्थायी रूप से जीने के लिए 75 लाइफ कार्रवाई की सूची शामिल है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी कार्रवाई मिशन लाइफ में शामिल है स्थायी रूप से, तो आपको जवाब देना होगा 75, इसीलिए जो है ये मैं आपके सामने दे रहा हूँ। इसमें जो चीज़ें महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न आ सकता है, हम बेसिकली उन्हीं पर चर्चा करेंगे।
अब आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में जो कुल विद्युत स्थापित क्षमता है उसमें कितना कोयला है, कितना पन बिजली है, कितना क्या है, कितना हाइड्रो पावर है, कितना सोलर पावर है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ईंधन स्रोत है 22-23 के। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी हम आगे 24 का भी देखेंगे। 22-23 में अगर आप कोयले से देखेंगे बिजली की उत्पादन, तो ये कितना है 47.4%, और नेचुरल गैस से देखेंगे तो 7% है। यहाँ पर कलर वाइज दिया गया है। सोलर का जो है अभी बहुत ही कम प्रचलन है, सोलर का धीरे धीरे बढ़ रहा है 1.2%, और न्यूक्लियर का अगर रोल देखेंगे 2.1% है। तो ये जो है हो गया कब का आंकड़ा, ये जो है 22-23 का था। अब हम 24 की बात करेंगे, 24 जहां से आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि 30 अप्रैल 2024 तक भारत में जो विद्युत उत्पादन या जो है ऊर्जा उत्पादन, कुल ऊर्जा उत्पादन की जो संस्थापित क्षमता है वो 400.8 गीगावाट है। ये कभी कभी सीधे सीधे ऐसी फिगर आपसे पूछी जा सकती है। अब हर चीज़ को गीगावाट में याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने कहा था कोयला, तो कोयला को आप याद रख सकते हैं 48%। गैस जो है यहीं पर आप ले लीजिए तो ये 6% हो गई। लिग्नाइट भी एक प्रकार का उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। तो ये अलग अलग ब्रेकअप दिया हुआ है आपको मुख्य रूप से कुल स्थापित क्षमता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये कुल ऊर्जा की बात हो रही है, कुल ऊर्जा की स्थापित क्षमता, ये कोई प्रोडक्शन का आंकड़ा नहीं है। ये स्थापित क्षमता की मतलब भारत में इतनी कैपेसिटी है। फिर अब हम विद्युत उत्पादन की पर्टिकुलरली बात करेंगे, तो विद्युत उत्पादन के लिए संचयी स्थापित क्षमता जो 2024 के अनुसार है वो कैसी है। तो भारत ने पहले जो लक्ष्य रखा है, जो 45% के लगभग अचीव हो चुका है, 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल से विद्युत ऊर्जा उत्पादन की संस्थापित क्षमता 50% करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 45.something जो है हम अचीव कर चुके हैं। फिर इसके अलावा जो है इसमें 23-24 में कुल संस्थापित क्षमता 441.1 गीगावाट में से लगभग 203.4 गीगावाट, कुल 46% जो है क्या है, ये जो है गैर जीवाश्म ईंधन से है। और यही जो है 26-27 वित्तीय वर्ष में बढ़कर 349 गीगावाट यानी 57.3% होने की उम्मीद है। तो इस तरह से जो है हम देखेंगे कि धीरे धीरे गैर फॉसिल फ्यूल से भारत का जो निर्भरता है वो कम हो रही है और हम स्वच्छ ईंधन के उत्पादन पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पर्यटन क्षेत्र में भी भारत की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। जो विश्व आर्थिक मंच है उसके द्वारा जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया गया 2024 का, उसमें भारत की जो पोजीशन है वो 39th है, 39वें स्थान पर भारत पहुंच गया है, ये आपको याद रखना है। वहीं पर अगर देखेंगे तो 2021 में भारत 54वें स्थान पर था, यानी अच्छी जो है ग्रोथ जो भारत ने की है, तेज़ी से ऊपर आया है। सूचकांक में अमेरिका अभी भी पहले नंबर पर है, स्पेन दूसरे नंबर पे, जापान तीसरे नंबर पे, ये जो है, और इसमें भारत की 39 रैंक हुई है। अब इसमें कई सारे और भी क्राइटेरिया होते हैं, जैसे इनेबलिंग एनवायरनमेंट है, अब इसमें क्या स्कोर है भारत का और सबका, तो अलग अलग स्कोर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल आपको ग्राफिक फॉर्म में दिखाया गया है। तो दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा है चलिए उसको फटाफट रिवाइज करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम पे, क्योंकि हो सकता है कि आपको बड़ा बोझिल सा लग रहा हो कि हमने इतनी सारे डेटा पढ़ लिए, इतने सारे फैक्ट पढ़ लिए, लेकिन इनसे क्वेश्चन क्या बनेगा। तो हम क्वेश्चन आपको बना के दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया, इसकी तारीख आपको बतानी है, कब पेश किया गया, 22 जुलाई 2024 की। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार जो है वित्त वर्ष 24 यानी 23-24 में वार्षिक GDP परसेंटेज के रूप में कितनी थी, यानी GDP के परसेंट में अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट कितनी थी। अभी हमने कई बार इसको बताया कि ये 8.2% थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया कि अर्थव्यवस्था में
मतलब आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है 24-25, इसके लिए जीडीपी का ग्रोथ रेट अनुमान क्या लगाया गया है, 6.5 से 7%। ये सब आपने पढ़ा है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। खुदरा मुद्रा स्फीति, ये आपने पढ़ा था, तो इस पर आधारित क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 22-23 में कितनी रही 6.7% रही। और अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो अभी फाइनेंशियल ईयर बीता है उसमें कितनी रही, जो हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा, तो आपको क्या बताना है, 5.4%। तो ये ध्यान रखिएगा, जो इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के टर्म्स में कितना रहा, 0.7%। ये सब हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, लेकिन हो सकता है वहाँ पर आपको ना याद हुआ हो, लेकिन अब जरूर आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 23-24 में वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 2020 के स्तर से कितने प्रतिशत अधिक रही, यानी जो मैंने बार बार आपसे कहा था ना पूर्व महामारी स्तर से कितनी जो है रही, तो पूर्व महामारी स्तर से जो है 20% ऊपर ये पहुंच गई है। 23-24 में कुल संग्रहित कर में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष कर और कितने प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर था, तो जो है इसमें क्रमशः अगर हम देखेंगे तो अप्रत्यक्ष कर जो है 55% है और प्रत्यक्ष कर कितना है, 45%। ये भी हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन जो बनेंगे वो इन्हीं के इर्द गिर्द बनेंगे, इसीलिए इस तरह से क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 23-24 में नीतिगत यानी जो पॉलिसी रेपो रेट है उसको कितने पर रखा है, 6.5% पर स्थिर रखा है। अगला प्रश्न, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण वितरण मार्च 24 के अंत तक पूर्व के वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक ऋण वितरण किया है इन्होंने, 20.2%। अगला प्रश्न आ गया, वित्तीय वर्ष 23-24 में औद्योगिक ऋण वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही, 8.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता जो एक कानून है कि दोहरी बैलेंस शीट समस्या के लिए एक प्रभावी समाधान के रूप में मान्यता दी गई है, किसको, आईबीसी को। आईबीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है, तो आईबीसी की स्थापना कब हुई थी, 2016 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र जो है जो भारत का है वो विश्व में कितने नंबर पे है, ये हमने वहीं पर डिस्कस किया था, कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, चीन के बाद हमारा नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के समय समय पर नीतिगत हस्तक्षेप और भारतीय रिजर्व बैंक के मूल स्थिरता उपायों से खुदरा मुद्रास्फीति को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने में मदद मिली है, कितने पे बनाए रखने को मदद मिली है, 5.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय वर्ष 23-24 में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति 6% से कम दर्ज की गई है, कितने में, 29 राज्य और / केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें दोनों ही शामिल हैं। आरबीआई ने 2025 और 26 के लिए कितने प्रतिशत मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ये लक्ष्य है आपका 4.5 से 4.1% के बीच में, यानी घटने की संभावना इसमें जताई गई है। आईएमएफ ने 2024 और वर्ष 2025 के लिए भारत में कितने प्रतिशत मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है, ये हमने वहाँ भी डिस्कस किया था, तो ये अनुमान क्रमशः 4.6% और 4.2% है 24 और 25 के लिए अकॉर्डिंगली ये है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत 2023 में 139 देशों में कौन सी रैंक रखता है, तो हमने वहीं पर बताया था कि भारत की 38वीं रैंक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का जो चालू खाता घाटा है इसके कम होने के मुख्य दो कारण कौन कौन से प्रमुख रूप से कहे जाते हैं, तो पहला तो है व्यापारिक आयात में कमी और सेवा निर्यात में वृद्धि। जब व्यापारिक आयात हम कम करेंगे, निर्यात ज़्यादा करेंगे, और ख़ासकर सेवा निर्यात हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा होता है, जो आपने देखा भी था जो 40% के ऊपर था। वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वित्त वर्ष
23-24 में कितनी रही, ये जो है वैश्विक निर्यात में 1.8% रही। नेक्स्ट जो है सेवा निर्यात की बात कर लेते हैं, तो 23-24 में सेवा निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की हुई है, 4.9%। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण हैं। फिर सबसे बड़ा विश्व में शीर्ष जिसको हम कह सकते हैं धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है, वो भारत है। भारत का विदेशी ऋण मार्च 2024 में GDP के टर्म्स में कितना रहा, 18.7% रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पावधि से मध्यम अवधि में नीतिगत फोकस के लिए कितने क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, तो ये कुल क्षेत्र कितने हैं, 8। बस इतना याद रख लीजिएगा, आगे मैं आपको दिखाने भी जा रहा हूँ कि वार्ड क्षेत्र कौन से हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा याद बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा आपसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है। इसी तरह से हमने अमृतकाल पर चर्चा की थी कि उसकी रणनीति कितने क्षेत्रों पर आधारित है, तो हमने क्या बताया था, कुल 6 क्षेत्रों पर आधारित है। अब ये जो क्षेत्र हैं इनको आप देख लीजिए, हालांकि इतना याद करवाना भी संभव नहीं है। और ये जो अमृतकाल वाले 6 क्षेत्र हैं, ये तो हमने दो बार इन्फोग्राफिक्स में भी देखा था अभी कि किस तरह से ये जो है पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की रिपोर्ट के अनुसार एकमात्र G20 देश कौन सा जहाँ 2 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के साथ जो है वो खड़ा है, कौन है, वो भारत है। 31 मई 2024 तक देश में स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है, 45.4%, जो हमने डिस्कस किया था। और यही लक्ष्य है 2030 तक, इसको कहां तक पहुंचाना है, इसको 50% तक पहुंचाना है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, भारत ने 2005 के स्तर की तुलना में 2019 में अपने सकल घरेलू उत्पादन यानी GDP कि उत्सर्जन तीव्रता में किससे प्रतिशत तक कमी कर ली है, कितने प्रतिशत तक कमी की है, 33% तक कमी कर ली गई है। वर्ष 2005 और वर्ष 2019 के बीच भारत की GDP लगभग कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी CAGR से बढ़ी है, पीछे हमने बात की थी 7% की जो है CAGR से बढ़ी है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर दिसंबर 2023 में कितने हजार करोड़ रुपये मूल्य के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं, जो अभी लास्ट में बिल्कुल हम लोगों ने देखा था, 20,000 करोड़ रुपए की, क्या याद रखेंगे, 20,000 करोड़ रुपए। फिर वित्तीय वर्ष 18-19 और वित्तीय वर्ष 23-24 के बीच नाममात्र GDP नॉमिनल GDP, आप एक रियल GDP होती है, एक नॉमिनल GDP है, मुझे लगता है आप लोगों को अंतर पता होगा। जो नॉमिनल GDP होती है इसमें इन्फ्लेमेशन को हटाया नहीं जाता है, और जो रियल GDP होता है उसमें जो है जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको हटा दिया जाता है। तो ये जो है लगभग कितने प्रतिशत की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, जिसको हम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि कहते हैं, CAGR से बढ़ी है, तो ये आंकड़ा है 9.5% का। आगे बढ़ते हैं, आय की असमर्थताओं को दर्शाने वाला एक गुणांक होता है जिसको हम गिनी गुणांक के नाम से जानते हैं, आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के लिए ये घटकर कितना हो गया है, ये जो है क्रमशः आप देखेंगे तो 0.2666 और 0.314 हो गया है। हालांकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी बस आपकी एक जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, आयुष्मान भारत योजना यानी PMJY स्वास्थ्य बीमा कार्ड के अंतर्गत कितने मानसिक विकारों को कवर किया गया है, मेंटल इलनेस को, 22 प्रकार के मानसिक विकारों को इसमें कवर किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर दुनिया का सबसे बड़ा सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता वाला स्कूल नेटवर्क विकसित करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, इसका नाम है पोषण भी पढ़ाई भी, ये जो है कार्यक्रम है जो लॉन्च किया गया है। उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की हुई है, 31.6% की वृद्धि उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में हुई है। PM आवास ग्रामीण के अंतर्गत पिछले 9 वर्षों में कितने करोड़ गरीबों के लिए घर बनाए गए हैं, यानी ये टोटल आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आंकड़ा जो है 2.63 करोड़ घरों का है। आगे बढ़ते हैं,
मार्च 2024 में तिमाही शहरी बेरोजगारी दर पिछली वर्ष की इसी तिमाही में 6.8% से घटकर कितनी हो गई है? 6.7% हो गई है, यानी मामूली जो है गिरावट आई है। अच्छी बात यह है कि ये बढ़ा नहीं है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार कृषि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत लोग कार्यरत हैं, ये आपको क्रमशः बताने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कृषि क्षेत्र में भारत में 45% लोग कार्यरत हैं, विनिर्माण क्षेत्र में 11.4 और सेवा क्षेत्र में 28.9% लोग कार्यरत हैं। ये महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार आयु वर्ग 15 से 29 वर्ष के बीच की बेरोजगारी दर 17-18 के में कितनी थी? 17.8% थी। उससे घटकर 22-23 में कितनी हो गई है? तो ये घटकर अब जो है 10% हो गई है। तो थोड़ा सा यहाँ पर सुधार दिखता है। फिर EPFO की वेतन सूची में शामिल 4 नए अंशधारकों में से 18 से 28 वर्ष के आयु के युवाओं का लगभग कितना योगदान है? 2/3%, यानी 2/3 कह सकते हैं, परसेंट नहीं 2/3। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र ने पिछले 5 वर्षों में स्थिर मूल्यों पर कितने प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल की है? ये हमने डिस्कस किया था, ध्यान होगा आपको, 4.18%। 2-3 बार इसको मैंने आपको रिवाइज कराया था, ये महत्वपूर्ण है। भारत जो है विश्व के बड़े फार्मास्यूटिकल बाजारों में से आता है, ये आपको पता है। तो भारत का जो फार्मास्यूटिकल बाजार है वो 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के साथ मात्रा की दृष्टि से दुनिया के किस क्रम का सबसे बड़ा बाजार है? ये जो है तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। और मूल्य की दृष्टि से आपसे कोई पूछ ले तो ये 13वां सबसे बड़ा उद्योग है। आगे होते हैं, भारत विश्व में किस क्रम का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक देश है? ये दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक देश है। सबसे ज़्यादा सक्रिय कंपनियां किस क्षेत्र में? निश्चित रूप से जिसमें अर्थव्यवस्था की ग्रोथ सर्वाधिक है, यानी कि सेवा क्षेत्र में। कितनी कंपनियां हैं टोटल? जो कंपनियां हैं उसका 65% इसी क्षेत्र में है। वैश्विक स्तर पर भारत का सेवा निर्यात वर्ष 2022 में विश्व के वाणिज्यिक सेवा निर्यात का कितना प्रतिशत था? ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, 4.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के सेवा निर्यात का लगभग 73% हिस्सा क्या है? यानी ये सबसे बड़ा हिस्सा है, इसमें आता है कंप्यूटर सर्विसेज और व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के अंत तक भारत का सेवा निर्यात क्षेत्र विश्व के कुल सेवा निर्यात का कितना प्रतिशत होने की उम्मीद है? 6%, जो कि जो है एक अच्छी खासी ग्रोथ को दर्शाता है। पर्यटन उद्योग में 2023 में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन होगा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितने प्रतिशत अधिक है? ये 43.5% अधिक है। नेक्स्ट है, भारतीय ई कॉमर्स उद्योग का 2030 तक अगर देखें तो बिलियन अमेरिकी डॉलर में कितने का आंकड़ा पार कर जाने की उम्मीद है? 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है लक्ष्य पार कर सकता है। आगे, भारत में टेली घनत्व कितना हो गया है 2014 के मुकाबले? कितने प्रतिशत जो है अब हो गया है? 85.7% हो गया है। 2014 में ये 75 था, इसको हम लोगों ने पीछे बात किया था। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति वित्त वर्ष में 11.7 किलोमीटर प्रति दिन थी, अब ये बढ़कर कितनी हो गई है? ये भी हम लोगों ने बात की थी, अब ये 34 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। भारतीय रेलवे किस वर्ष वंदे मेट्रो ट्रेन सेट कोच शुरू करेगा? क्या प्लानिंग है? 2025 में ये वंदे भारत ट्रेन सेट की शुरुआत भारत में होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं, लॉजिस्टिक प्रबंधन सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत का स्थान, अब यहाँ पर श्रेणी में पूछ लिया गया है, कौन सा स्थान है भारत का? 22वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 2014 से 2023 के बीच स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भारत में कितना निवेश हुआ है? बहुत अच्छा खासा निवेश हुआ है, 8.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत में आया है। पिछले 5 वर्षों में रेलवे का पूंजीगत व्यय कितने परसेंट बढ़ा है? मैंने वहाँ, हम लोगों ने वहाँ बात की थी कि ये 77% जो है बढ़ गया है। फिर महिला श्रम बाल बल भागीदारी, यानी
वर्ग मतलब कार्यकारी महिलाओं की बढ़ोतरी, इसको मान लीजिए 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 22-23 में कितना परसेंट हो गया है, तो ये अब 37% हो गया है। यानी जो कामकाजी महिलाओं की संख्या है उसमें अच्छी खासी वृद्धि देखी जा रही है। स्टैंड अप इंडिया योजना में मई 2024 तक कितने प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं, कितने प्रतिशत हैं, 77%। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, ये है 53%। फिर आगे बढ़ते हैं, उच्च शिक्षा में कुल दाखिला वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 22 तक में, जो इसको हम लोग नामांकन रेशियो कहते हैं ना, वो बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है, तो ये जो है 26.5% हो गया है। आगे 31 मार्च 2024 तक देश का कुल कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा संस्था स्थापित की जा चुकी है, तो लगभग 190 गीगावाट। ये आंकड़े आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो कहीं पे 190 आएगा, कहीं पे उससे थोड़ा सा कम आएगा, इसीलिए लगभग बताया जाता है, क्योंकि हर तरह की संस्था जो है थोड़ा थोड़ा अलग अलग जो है रिपोर्ट में अपने बताती है। अनंतिम अनुसार अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 24 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, 7.6, जो हम लोगों ने पहले चर्चा की थी। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का कितने प्रतिशत का योगदान है, 55% का, सभी सेक्टर्स का हम लोगों ने अलग अलग देखा था, उसमें सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। फिर विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन में एमएसएमई उद्यमों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रही है, तो अच्छा खासा परसेंटेज है, 35.4%। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, कितना याद करिए, 5.6% था ये। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में औद्योगिक विकास दर कितनी रही है, ये रही है 9.5%, इसके पहले ये 10 थी, तो उससे कमी आई है। तो मित्रों, इस तरह से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पूरा आर्थिक सर्वेक्षण और उसका जो निचोड़ है उसको तथ्यों के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, इंफोग्राफिक्स के माध्यम से और अंत में प्रश्नों के माध्यम से समझा। ये समझ लीजिए कि 2-3 प्रश्न इसमें से पक्के हैं, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करिएगा और इससे कुछ भी छूटना ना पाए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।